हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। हाँ, और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, देखो जल्दी जल्दी मैं भूल गई, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने जिस पे रिएक्शन दिया है वो है बाजी प्रभु जी देश पांडे पावन खेल 300 के सामने 10,000 पार्ट 2। तो ये बाजी प्रभु जी की शौर्य गाथा है फ्रेंड्स। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जरूर देखें। और ये सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, तो आइए पहले देख लेते हैं ये सेकंड पार्ट, उसके बाद मेरे को भी समझ में आएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। और जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है फ्रेंड्स मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी, मतलब बहुत अच्छा नाम है। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। अब बदलने जा रहा था जब दो बलशाली योद्धा आमने सामने खड़े थे। दुर्ग की वो काली रात और चांदनी तारों के नीचे खड़े दो महावीरों के बीच युद्ध आरंभ होने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खड़े तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक और आबाजी को हिरडस पर फड़फड़ाता भगवा ध्वज लहराते हुए देखने की प्रतीक्षा साफ दिख रही थी। पर दूसरी ओर बाजी प्रभु हिरडस को अपराज्य देख रहे थे। शायद बाजी प्रभु ये बात समझ चुके थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन कदम रोहिड़ा पर पड़ते ही किला म्लेच्छों से आज़ाद हो चुका है। पर बाजी प्रभु का काम था किले को आक्रमण से बचाना, और दुश्मन पक्ष में दुर्भाग्य से खुद श्री शिव छत्रपति थे। पर मराठे कभी झुकते नहीं, एक हाथ में दांड पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार पकड़े अपनों के साथ युद्ध करने के लिए ये मर्द मराठा तैयार था। और छत्रपति शिवाजी महाराज जाने जाते हैं अपने दूरदृष्टि के लिए। एकाएकी छत्रपति अपने भवानी तलवार को म्यान में रख देते हैं। ये देख तानाजी, आबाजी और येसाजी चौंक जाते हैं। किसी को समझ आ नहीं रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज बिना तलवार से बलशाही बाजी प्रभु का सामना कैसे करेंगे। बिना हथियार छत्रपति बाजी प्रभु की तरफ जाने लगते हैं। सामने खड़े बाजी प्रभु कैसे करेंगे हाँ। पर बाजी प्रभु कुछ बोल पाते इतने में छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, बाजी अपने बड़े भाई के सीने पर घाव करूं इसीलिए हमें ये भवानी तलवार नहीं मिली है। नवयुवक राजा की मधुर वाणी सुनकर बाजी प्रभु अचंभित हुए। छत्रपति उन्हें समझाते हैं कि जिस कृष्णा जी बांदल ने आपके परिवार को खत्म किया उसके लिए आप काम कर रहे हो। 12 मावल पर श्री शाहजी राजे का हक था, आप प्रजा के दीवान थे। कृष्णा जी ने न्याय से अधिक कर वसूल करके आपको भी दोषी साबित किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी को समझाते हैं कि कृष्णा जी को मार कर वो इस प्रांत पर अधिकार जताना नहीं चाहते। ये सुनकर बाजी प्रभु समझ जाते हैं कि वो गलत पक्ष से लड़ रहे हैं। आगे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, आपका राज्य नहीं बल्कि हमें तो आप चाहिए। इस प्रकार बाजी प्रभु हिंदवी स्वराज्य सेना में शामिल होते हैं। यहाँ खास बात ये रही कि हिरडस मावड़ अब परप्रांतियों से आज़ाद हो चुका था। रोहिड़ा किला समेत बांदल सेना और बाजी प्रभु के छोटे भाई फुला जी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ गए। यहाँ हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति पता चलती है। उन्होंने पहले छोटे प्रांत को अदिलशाही हुकूमत से आज़ाद करवाया। जागीरों की आज़ादी से ना सिर्फ हिंदवी सेना बढ़ने लगी परंतु बाजी प्रभु जैसे महावीर स्वराज्य से जुड़ने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के रणनीति का प्रमाण यही था कि उन्होंने अकेले लड़ने के बजाय पहले अपने जैसे सैकड़ों महावीरों को एक किया, फिर उन्होंने मुगलों से सामना किया। आज के युग में उनकी नीति कोई अपनाना नहीं चाहता, सभी को बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं। पर अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हम छोटे छोटे लक्ष्य काबिज करेंगे तो हम खुद को बड़ा मुकाम हासिल करने के योग्य बना सकते हैं। शून्य से शुरुआत कैसे करना चाहिए
इस बात को छत्रपति अच्छी तरह से जानते थे। बाजी प्रभु देशपांडे और बांदल का साथ मराठा साम्राज्य के लिए मूल्यवान था। छत्रपति का सल्ला था कि बाजी प्रभु रोहिड़ा किला और 12 मावड़ मजबूत करें, पुराने किलों का पुनर्निर्माण और जरूरत के हिसाब से सेना का अभ्यास कराना स्वराज्य के लिए फायदेमंद था। बाजी प्रभु के देख लेख में काफी चीजों में बदलाव दिखा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बाजी प्रभु छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनानी जरूर थे, पर उन्होंने ज्यादातर समय हिरडस में ही गुजारा। जब भी छत्रपति बुलाते, बाजी अपने भाई के साथ राजगढ़ चले आते। अफजल खान के अंत के पीछे अन्य वीर मराठा के अलावा बाजी प्रभु देशपांडे की अहम भूमिका रही है। दरअसल राजे जानते थे कि अफजल खान बहुत ताकतवर और लंबा चौड़ा है, इसीलिए बाजी प्रभु को राजगढ़ बुलाया गया। छत्रपति ने बाजी से कहा, आप अफजल खान जैसे लंबे चौड़े वीरों को लेकर आओ। आज्ञा अनुसार बाजी ऐसे योद्धा लेकर आए। फिर वहां जो हुआ उसे आज भी कुछ लोग नहीं जानते। बाजी प्रभु और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया। राजे जानते थे कि ऐसे व्यक्ति को मार गिराना संभव नहीं जो पहलवान हो। 10 नवंबर 1657 ये वो तारीख है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया था। मराठा साम्राज्य के इतिहास में इस युद्ध का स्थान महत्वपूर्ण है। अफजल खान के अंत के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला इस प्रचंड किले पर अपना अधिकार जमा लिया। मराठों ने इतनी बड़ी जंग जीत ली थी, आदिलशाही हुकूमत को इस बात की तकलीफ थी कि अब मराठा उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। जहन में लगी इस आग को बुझाने के लिए आदिलशाही हुकूमत ने सबसे बड़ी गलती कर दी। मात्र एक मराठा को पकड़ने के लिए उसने अपने सारे जाबाज सेनानी के प्राण दाव पर लगा दिए, जिसमें सिद्धि जौहर, रुस्तम जमान, फजल खान और सिद्धि मसूद जैसे सेनानी थे। फजल खान ये वही व्यक्ति था जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दया दिखाकर छोड़ दिया था। दरअसल अफजल खान के अंत के बाद मराठों ने उनके सभी साथीदार और दोनों बेटों को पकड़ लिया था। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बंदी बनाए सभी लोगों को मान के साथ छोड़ दिया गया। युद्ध के बाद 18 दिन के भीतर छत्रपति ने पन्हाला जीत लिया और वहां कुछ दिनों के लिए रुक गए। हार इतनी बड़ी थी कि आदिलशाही हुकूमत ने बिना सोचे समझे अगली नीति बनाई। सिद्धि जौहर ने तुरंत ही पन्हाला घेर लिया। उस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बाजी प्रभु और नेताजी पालकर जैसे वीर योद्धा थे। पन्हाला किला बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि वहां छुपकर बैठे किसी व्यक्ति को खोज निकालना बहुत मुश्किल था। सह्याद्री पर्वत मालाओं में बसा ये किला सिद्धि जौहर के लिए भी नया नहीं था, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे जाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। चारों तरफ से मिली युद्ध की चुनौती से लड़ने के लिए छत्रपति तैयार थे। नेताजी पालकर की चालाकी के बदौलत मराठाओं ने दुश्मन सेना को चकमा देकर वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज को बाहर निकालने के लिए रास्ता बना लिया। पर दुश्मन के भाग जाने की खबर मिलते ही आदिलशाही सेना विभाजित हो गई और महाराज को ढूंढने लगी। मराठा साम्राज्य के इतिहास में इस तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 14 जुलाई 1660 गुरु पूर्णिमा का दिन, पन्हाला किले के नीचे घोड़खिंड नामक सिकुड़ा हुए रास्ते के एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरी तरफ बाजी प्रभु देशपांडे खड़े थे। राजे, आप यहां से निकल जाइए, जब तक बाजी जिंदा है एक भी दुश्मन घोड़खिंड पार नहीं करेगा। हम बांदलों की ताकत देखी नहीं है दुश्मन ने। ये सुनकर छत्रपति की आंखें भर आईं। वो उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, पर बाजी प्रभु, फुलाजी और 300 बांदलों ने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर छत्रपति को कुछ हो जाता है तो प्रजा उजाड़ हो जाएगी। बाजी प्रभु ने कहा, 1000 बाजी के प्राण गए तो भी ठीक है, पर एक छत्रपति का जिंदा रहना जरूरी है।
आगे बाजी प्रभु कहते हैं, जैसे ही खेलना किला सर करोगे वैसे ही तोपों को 3 बार दाग देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप सुखरूप पहुंच गए। बड़े भाई समान बाजी प्रभु की आज्ञा को छत्रपति मान लेते हैं। 300 मावड़े छत्रपति के साथ निकलते हैं और बाकी 300 वीर योद्धा घोड़खिंड लड़ने के लिए वहीं रुक जाते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे के साथ उनके छोटे भाई फुलाजी देशपांडे, संभाजी जाधव, महाजी राघोजी जाधव, गंगोजी महार और मोरे जैसे बड़े सरदार थे। इतिहास के पन्ने रक्त की साही से भरे हैं कि कैसे बस 300 मावड़े 4000 अदिलशाही सेना पर टूट पड़ते हैं। अदिलशाही सेना के लिए बाजी प्रभु ऊंचे चट्टान जैसे थे। कम से कम ज्यादा लंबी इस जगह पर 18 घंटे युद्ध चला। सिद्धि मसूद की सेना ने अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे उनके सामने किसी चट्टान की तरह खड़े थे। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में दांड पट्टा लेकर बाजी प्रभु पूरे जोश के साथ मार्ग रोके हुए थे। उनका पूरा शरीर खून से रंग गया था। फुलाजी उन्हें समझाने लगे कि आप थोड़ा आराम करिए, पर दुश्मन पक्ष में बात होने लगी कि ये राक्षस है। धीरे धीरे अदिलशाही सेना भी थक गई। उन्हें समझ आया कि बाजी प्रभु के सामने जाना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है, इसीलिए बाजी प्रभु से लंबी दूरी रख कर उन पर बंदूक दागी गई, जिस वजह से बाजी जमीन पर गिर गए। बाकी मावलों ने उन्हें कोने में लाया और कुछ समय के लिए वो बेशुद्ध रहे। बाकी मावड़े घोड़खिंड लड़ते रहे, गले लगा, पर अब भी तोप दागने की आवाज नहीं आई थी। पर बाजी प्रभु और बाकी मावड़े इस बात से परिचित नहीं थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज खेलना जरूर पहुंच गए, पर उन्हें सुरवे नामक अदिलशाही सरदार से युद्ध करना पड़ा और उसे मार गिराते हुए छत्रपति ने झुंझाराव पवार को 3 बार तोप दागने को कहा। तोपों की आवाज़ आने से पहले बाजी प्रभु उठ गए और अपने साथीदारों से कहने लगे कि राजे सही सलामत पहुँच गए क्या। चेहरे पर चिंता और जोश लाकर वो उठ खड़े हुए और लड़ने के लिए जाने लगे। उनकी जोरदार हुंकार से दुश्मन पीछे मुड़ने लगा। बाजी प्रभु का जोश देखकर दूसरे मावड़ों में भी फुर्ती आने लगी। इतने में तोपों की आवाज से बाजी प्रभु के चेहरे पर सिमत हास्य झलकने लगा, पर अगले क्षण बाजी प्रभु देशपांडे और उनके छोटे भाई फुलाजी देशपांडे को वीर गति प्राप्त हुई और जिस जगह उनका पावन देह गिरा आगे चलकर वो जगह पावन खिंड कहलाया। पावन खिंड, बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड्स। और इसमें जो पावन खिंड मूवी आई थी फ्रेंड्स, उस मूवी के ट्रेलर पे मैंने रिएक्शन दिया था फ्रेंड्स। तब मेरे को ये नहीं समझ में आया था, लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि घोड़खिंड नामक जगह में ये युद्ध हुआ था और उस घोड़खिंड का जो नाम है आज पावन खिंड इसलिए है क्योंकि उधर बाजी प्रभु जी की पावन देह उन्होंने छोड़ी थी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे फ्रेंड्स। और वो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बोला कि आप चले जाइए क्योंकि मतलब सामने युद्ध करने आदिलशाही सेना खड़ी थी और आदिलशाही सेना थी 4000 और इधर हमारे मावले थे यानी हमारे मराठे मावले भाई फ्रेंड 300 थे, 600 थे हालांकि, लेकिन 600 जो थे 300 छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ निकले और जो 300 थे वो बाजी प्रभु जी के साथ रहे फ्रेंड्स। और बाजी प्रभु जी को छत्रपति शिवाजी महाराज बोल के गए थे कि जैसे ही वो पहुँचेंगे तो 3 तोपों की आवाज़ करेंगे यानी वो सिग्नल होगा कि वो पहुँच गए हैं, उसके बाद वो निश्चिंत
हो जाएंगे। लेकिन उधर पहुंचते भी छत्रपति शिवाजी महाराज को बीच में छोटा सा युद्ध करना पड़ा, तब वो उधर उसको मार गिरा के वो पहुंच गए। और तब तक फ्रेंड, और ये युद्ध जो था 300 हमारे मराठा माउले भाई और सामने आदिलशाही सेना के 4000 फ्रेंड्स, और ये युद्ध चला है 18 घंटे। 18 घंटे हमारे श्री वीर बाजी प्रभु जी ऐसे लड़ते रहे दुश्मनों का काल बन के सामने वो जो 4000 थे ना वो भी थकने लगे फ्रेंड्स। लेकिन बाजी प्रभु जी को अभी तक सिग्नल नहीं मिला था कि हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज किले में पहुंच गए हैं, सुरक्षित किले में पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, वो उनको सिग्नल नहीं मिला था। और ये जो 4000 आदिलशाही सेना थी वो फ्रेंड्स थक हार के वो बाजी प्रभु जी से इतने तंग हो गए कि वो सोचने लगे कि ये मतलब ये कौन है, ये आम आदमी तो हो ही नहीं सकता, ये मतलब किस हिसाब से इनमें शक्ति है, ये राक्षस है, ये क्या है, 4000 से ऐसे लड़ रहे हैं वो। तो वो उनसे डर के उनसे दूरी बना के लड़ने लगी। लेकिन बाजी प्रभु जी वो फ्रेंड्स, वो तो बात है ना कि वीरों की वीरता, अपने शरीर थक जाए भले ही, लेकिन वीरों की वीरता है ना वो उनको फ्रेंड्स रुकने नहीं देती है। तो ऐसे हमारे बाजी प्रभु जी लड़ते रहे, हालांकि 4000 सेना आदिलशाही सेना उनसे दूर हटके लड़ रही थी, लेकिन दूर हटके उन्होंने बंदूक जो थी फ्रेंड्स वो बंदूक उन पे चला दी। तब बाजी प्रभु जी को जो माउले भाई थे वो मतलब कोने में लेके गए। लेकिन तब तक उधर 3 तोपों की आवाज़ आ गई फ्रेंड्स, यानी हमारे बाजी प्रभु जी मतलब तब तक उन्होंने उन पर बंदूक दागी गई फ्रेंड्स, फिर भी उन्होंने अपना देह नहीं छोड़ा फ्रेंड। उनको ये चिंता थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच गए हैं कि नहीं है फ्रेंड्स। उन वीरों की वीरता देखो फ्रेंड्स, इतने मतलब घायल होने के बाद भी फ्रेंड्स उनकी मातृभूमि के लिए, राष्ट्रभूमि के लिए प्यार देखो, उनकी स्वामी भक्ति देखो, कि जब तक उनकी स्वामी, उनका शरीर पूरा घायल है लेकिन उनके प्राण नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये चिंता है कि हमारे स्वामी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए। और वो 3 तोपों की आवाज़ आने के बाद जो बाजी प्रभु जी का पावन देह है वो उन्होंने छोड़ दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया पावन खिंड फ्रेंड्स। अब मेरे को पावन खिंड जो मूवी की भी स्टोरी समझ में आई फ्रेंड्स, और वीरों की वीरता उन को तो फ्रेंड हम क्या बोलेंगे, उनको तो मतलब करोड़ों सलाम करेंगे, करोड़ों कोटि कोटि नमन करेंगे, फिर भी कम है फ्रेंड्स। और रही बात फ्रेंड हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि दोनों अलग थे, हालांकि दोनों के जो मंजिल एक ही थी फ्रेंड्स, लेकिन दोनों के जो रास्ते थे वो अलग अलग जा रहे थे, और दोनों युद्ध में भी सामने सामने आ गए फ्रेंड्स। और एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज और एक तरफ बाजी प्रभु जी, यानी जब फ्रेंड्स जो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ये जरूर जानते थे कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मंजिल एक ही है फ्रेंड्स, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए ही अच्छा करना। लेकिन जो वो थोड़े मतलब मार्गदर्शन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु जी का किया, तो वो फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हो गए। और यही तो बात है ना फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, महाराज का नेतृत्व, महाराज का दूरदृष्टि, कि वो जब बाजी प्रभु जी उनसे लड़ने आ रहे थे तो इन्होंने जो भवानी तलवार अपनी, जो साक्षात भवानी माने दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को, तलवार उन्होंने रख ली, मियान बोलते हैं ना उसमें रख ली, और वो मतलब सब महाराज के साथ भी जो वीर थे वो मतलब के महाराज क्या कर रहे हैं, और सामने बाजी प्रभु जी भी मतलब थोड़ा आश्चर्य हो गए कि वो ये छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, तलवार के बिना कैसे लड़ेंगे। और उनके पास जाके बोले कि मैं मतलब बड़े भाई पे तलवार नहीं चला सकता। तो यही तो होता है ना, यही दूरदृष्टि होती है, और यही बात है फ्रेंड्स, जो शून्य में से सर्जन, जो वीडियो में बोला गया और मैं भी बोलती हूँ फ्रेंड्स,
महाराज ने शून्य में से सर्जन किया था ना, वो इसी वजह से फ्रेंड्स कि वो अपनों को कभी घायल नहीं करते थे, उनकी दुर्दशा भी समझते थे और महाराज अपनी दूरदृष्टि से उनको अपने में भी लाते थे। फ्रेंड्स लक्ष्य एक ही था दोनों का, हमको ये देख के पता चला। दूसरी बात इसमें बोली गई और ये बात सच है फ्रेंड्स कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो फ्रेंड पूरे देश में मराठा साम्राज्य फैलाने में, एक टाइम पे पेशवा के टाइम तो पूरा फैल ही गया था, नींव महाराज ने रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने फ्रेंड्स। तो वो जो इतनी दूर कामयाब जो हुए उनमें उनकी दूरदृष्टि थी, फिर दूसरे बात उनके साथ बहुत वीर थे और उनकी वीरों की स्वामी भक्ति भी बहुत महान थी फ्रेंड्स। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ही जीते थे फ्रेंड्स। और महाराज का जो था फ्रेंड्स वो छोटे छोटे को भी महत्व देते थे, बड़ा ही चाहिए वो नहीं है फ्रेंड्स, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से समुंदर भरता है फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रेंड है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे। और एक टाइम पे जब ये आदिलशाही सेना सामने आ गई थी तब बाजी प्रभु जी ने बोला कि आप चले जाइए, उसका भी मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो जितने भी वीर थे ना हमारे, वो आसमान में चमकते तारे थे और जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ना फ्रेंड्स वो आसमान में चमकते सूर्य थे, यानी सूर्य का निकलना और रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तारे जो होते हैं, तारे हालांकि तारा के बिना भी आसमान अधूरा है और आसमान नहीं चल सकता, यानी इन वीरों के बिना भी स्वराज अधूरा था। और लेकिन फ्रेंड्स टाइम आने पे सूरज के बिना नहीं चल सकता, यानी मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ जाओ फ्रेंड्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को सुरक्षित उधर से निकाल दिया बाजी प्रभु जी ने, यानी उनका बलिदान बहुत बहुत बड़ा बलिदान है फ्रेंड्स। और पावन खिंड मूवी आज मेरे को समझ में आई फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है आप कमेंट्स कर सकते हो, और भी मेरे को कमेंट्स जरूर करना हाँ। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी वीरों की वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।